हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम आपको गाड़ी ऐसी दिखा रहे हैं जो कि आपको सेकंड हैंड मार्केट में बेस्ट ऑप्शन आपको इस गाड़ी को खरीदने के लिए, और आप इसको पूरा वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। इस समय हम होंडा सिटी की आईडी टैग इंजन 1.5 लीटर वाले इंजन में, और ये गाड़ी का जो मॉडल है ये है आपका 2015 का लास्ट। तो इस समय आप जैसे कि गाड़ी के अंदर इंटीरियर देख रहे हैं, और गाड़ी इसका जो किलोमीटर आप देखिएगा 94,000 चला हुआ है, और आप गाड़ी के अंदर की कंडीशन देखिए भाई साहब, एसी भी इतना मस्त चल रहा है कार का बेहतरीन, क्योंकि होंडा है, आप जानते हैं होंडा की गाड़ी के एसी कैसे होते हैं। तो हमारे साथ है अंशुल, तो ये है गाड़ी के ओनर, आज हमारे साथ ये बताएंगे कि इनकी गाड़ी ये इन्हीं की है, और ये किस तरीके का इनका एक्सपीरियंस रहा है गाड़ी के साथ, कि अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करेंगे। बताइए अंशुल जी, कैसा क्या है? तो बेसिकली अभी तक का एक्सपीरियंस हमारा ऐसा रहा, आज तक कभी भी कोई भी ब्रेक डाउन नहीं हुआ है किसी भी तरीके का। अगर आप होंडा लेते हैं तो इस चीज से बेफिक्र रहिए बिल्कुल भी, कंप्लीट रिलायबिलिटी। प्लस अगर बात करें परफॉर्मेंस की, इंजन वाइज काफी बेहतरीन है, परफॉर्मेंस हाईवे पे बहुत अच्छा है। अच्छा, हमें देखो शॉर्ट में आप बताओ कि जैसे हमारे दर्शक जानना चाहेंगे माइलेज क्या देती है पहले। तो माइलेज की बात करूँ, सिटी में आप इससे अराउंड 14 तक का माइलेज सिर्फ सिटी में निकाल सकते हैं ऑन हाईवे। हाईवे की अगर मैं बात करूँ तो मैं इससे अगर आप 80 पे क्रूज लगाते हैं अगर, तो 24 तक का आप इससे एक्सपेक्ट कर सकते हैं माइलेज, करीब 24 से 25 का एवरेज निकला। जी जी, तो 24 से 25 का ये आपकी ऑन रोड हाईवे पे आपको माइलेज निकाल देती है गाड़ी। आपकी होंडा सिटी है 1.5 इंजन में ही है, और सबसे अच्छी बात इसकी जो रिलायबिलिटी, आप जानते हैं होंडा के जो इंजन से बहुत अच्छे चलते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए चलते हैं, और आप 4-4 लाख 5-5 लाख किलोमीटर आप चला लीजिए इनसे, कोई आपको मतलब ऐसा नहीं है कि इसमें रेंज भी टच करानी पड़े, बस ये मेंटेन रखना पड़ता है, मेंटेनेंस का थोड़ा सा ध्यान रखना, टाइम टू टाइम सर्विस करानी है। सर्विस शेड्यूल से पहले ही मैं इसकी सर्विस टाइम पे कराता हूँ, 7 से 8 हजार किलोमीटर के बीच में। इसका शेड्यूल जो है थोड़ा मैं शॉर्ट रखता हूँ, 7 से 8 हजार किलोमीटर पे मैं इसकी सर्विस में करा देता हूँ, क्योंकि होता क्या है आपका इंजन की जो है परफॉर्मेंस अच्छी रहती है, माइलेज भी इवन ड्रॉप हो जाता है 7 से 8 किलोमीटर बाद, तो वो चीज भी कवर अप रहती है, और अगर इंजन ऑन पॉइंट रहेगा तो आपके लॉन्ग टर्म कार चलेगी कोई इशू नहीं आएगा। कम्फर्ट में कोई इशू नहीं है, सस्पेंशन बहुत बेहतरीन है, बहुत कम्फर्ट के हिसाब से डिजाइन है, और अगर बात भगाने की जाए मैं इसको 200 प्लस तक टच कर चुका हूँ, मेरे पास वीडियो भी है, मैं अटैच शेयर कर दूंगा। इसमें जो अलर्ट भी दिए वो भी काफी खूबसूरत है। तो दोस्तों आज की इस छोटी सी वीडियो में बस यही था, और आपको ये सेकंड हैंड गाड़ी आपको मार्केट में इजीली आपको 3 से 4 लाख रुपए में बेहतरीन मिल सकती है। अगर वीडियो पसंद है तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, जय हिंद।